वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ लैमिंगटन, जिसके लिए मैंने बाउल में एक कटोरी बटर ले लिया और एक कटोरी कस्टर्ड शुगर ले लिए। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उससे पहले मैं इसमें 4 ड्रॉप वनीला एसेंस डालूँगी, फिर इन दोनों को अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए, मैंने बटर को और शुगर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने 4 अंडों को अच्छे से बीट कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एग मिक्सचर डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट डालने के बाद मैं इसमें दूसरा पार्ट डालूँगी, फिर मिक्स करेंगे इसे। सेकेंड टाइम भी मैंने इसे अच्छे से बीट करके मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थर्ड पार्ट डालूँगी, फिर से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं फोर्थ पार्ट डालूँ। इसे मैंने 4 पार्ट करके डाला है एग मिक्सचर को। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डालकर छन्नी में छान लिया था। अब इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में मिक्स कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे इसमें। अब थोड़ा सा और डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें जो बचा हुआ मैदा है वो भी मिक्स कर दूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, केक का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे मैं मोल्ड में डालूंगी। यहाँ पर मैंने केक मोल्ड को बटर से ग्रीस करके उसमें केक मिक्सचर डाल दिया है। अब इसे हमें प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए, ये मेरा केक रेडी है। मैं एक सिरप बनाऊंगी, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने बाउल में 3 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1/2 कप आइसिंग शुगर ले लिए। ये मैंने 1 टेबलस्पून बटर को 3 टेबलस्पून बॉइलिंग वाटर में मिक्स कर लिया। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। पहले मैं केक के पीसेस को जो मैंने बनाया है उसको इसमें डिप करूँगी, फिर इसमें रोल करूँगी। ये देखिए, मैंने ऐसे पीसेस काट लिए हैं, इसे मैं इस मिक्सचर में डिप कर दूँगी। फिर डेसिकेटेड कोकोनट में
ऐसे ऐसे सबको मैं करके बताती हूँ। ये देखिए लेमिंगटन्स रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।